प्रदेश के सबसे बड़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा अस्पताल में दूर दराज के क्षेत्रों से लोग इलाज करवाने आते हैं। अस्पताल पहुंचने पर लोगों का इलाज तो संभव हो जाता है, लेकिन जब ब्लड की कमी से जूझ रहे मरीज टांडा अस्पताल पहुंचते हैं तो उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं और बढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पताल में ब्लड की डिमांड तो सबसे ज्यादा है, लेकिन ब्लड डोनेट करने वाले बहुत कम हैं। ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा अस्पताल की ब्लड सेंटर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि चौहान ने कही। उन्होंने बताया कि एक दिन में 52 से लगभग 60 यूनिट ब्लड की डिमांड टांडा अस्पताल में रहती है, लेकिन केवल 30 से 35 यूनिट ही डोनेट हो पाता है। ऐसे में ब्लड की मांग को पूरा करने में अस्पताल प्रशासन को दिक्कतें पेश आ रही हैं। डॉक्टर अंजलि चौहान ने सभी लोगों से अपील की है कि अपनी स्वेच्छा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि समय पर मरीजों की जान को बचाया जा सके। मैं डॉक्टर अंजलि चौहान, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड सेंटर टांडा मेडिकल कॉलेज आरपीजीएमसी टांडा। ब्लड डोनेशंस तो हमारे पास काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। बीइंग अ टर्शरी केयर सेंटर, यहाँ पे दूर दूर से जो है डोनर्स आते हैं और पेशेंट्स भी हमारे पास बड़े दूर से आते हैं। यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी यूनिट भी अब स्टार्ट हो गया है, सारे फैसिलिटीज़ अपडेटेड यहाँ पे शुरू हो गए। नेचुरली ब्लड की डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा है। और ऑल्सो लेट आई वुड लाइक टू से कि दिस इज़ अ थैलेसीमिया बेल्ट, तो वी आर हैविंग नियरली मोर देन अराउंड 60 चिल्ड्रन हु आर रिसीविंग 1 or 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी मंथ। तो डिमांड्स हमारी बहुत ज़्यादा है ना, तो नेचुरली हमको उतना ब्लड नहीं मिल पाता, डोनर्स बढ़ चढ़ के नहीं आते हैं। बहुत सारे लोगों में वहम है, डाउट्स हैं कि देने से कोई कमज़ोरी आएगी, या ऐसे लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं जिसको हटाने की ज़रूरत है। एंड आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आना चाहिए, वॉलंटरीली आना चाहिए। देखिए ब्लड जो है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों दे सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेल्स एवरी 3 months डोनेट कर सकते हैं, फीमेल्स एवरी 4 months। हमारे पास फीमेल्स कम आते हैं डोनर्स, वेयर एज इट शुड बी, देना चाहिए, ब्लड देना चाहिए। हमारी डेली कंजम्पशन जो है 50 to 60 यूनिट्स ऑफ ब्लड है, लेकिन डोनेशंस हमारे डेली में अराउंड 35 नॉट मोर। मैम जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों में जो मरीज आते हैं उनके साथ जो उनके परिजन होते हैं उनमें एक भ्रांति है कि टांडा हॉस्पिटल में ब्लड जो है वो टाइम से नहीं मिलता है, और इसकी क्या बड़ी वजह है, कैसी ये भ्रांति है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ऐसी बात नहीं है कि ब्लड नहीं, हर पेशेंट को, हर इमरजेंसी को ब्लड मिला है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे प्लांट सर्जरीज हैं है ना, तो नेचुरली ब्लड का सोर्स जो है दैट इज फ्रॉम डोनर्स, है ना। यहाँ ब्लड नहीं बनता, डोनर्स ब्लड देंगे, उसी से हम ब्लड या फिर उसके ब्लड कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो ताकि हम ब्लड पहुँचा सके सबको, ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स तो चाहिए, है ना। अगर डोनर्स नहीं होंगे तो वी आर एक्चुअली फेसिंग शॉर्टेज। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।